नमस्कार जी। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर दुनिया भर की सभी बालिकाओं को हार्दिक बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि 11 अक्टूबर 2011 को अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने इस पवित्र दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इसके पीछे की क्या स्थिति थी, इससे भी हम सब परिचित हैं। आज दुनिया भर में बालिकाओं के प्रति नकारात्मकता का वातावरण बना हुआ है, जिस वातावरण से मुक्ति पाने के लिए ये सामूहिक प्रयास किया गया है, जिसके द्वारा जन जागरण का एक अभियान मान सकते हैं आप। आपको पता है कि कोई भी समस्या तभी उत्पन्न होती है जब उस समस्या पर हम पूर्ण विचार न करते हुए किसी कार्य को करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारतवर्ष में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास दार्शनिक चिंतन की परंपरा का शुभारंभ हो चुका था। इसका एक शानदार उदाहरण आपको बृहदारण्यक उपनिषद में मिल सकता है, जहां पर विदुषी गार्गी और महर्षि यज्ञवल्क्य के बीच में एक बड़ा सुंदर संवाद हम सबके समक्ष आता है। एक बार राजा जनक ने अपने यहाँ एक विद्वानों की सभा बुलाई, जिस सभा में यज्ञवल्क्य और विदुषी गार्गी भी पहुँचे। राजा ने कहा, आप सब यहाँ पधारे हैं और जो भी व्यक्ति शास्त्रार्थ में विजयी होगा उसके लिए कुछ गाय स्वर्ण सहित यहाँ पर उपस्थित हैं। यज्ञ बालक ने यह बात सुनी और अपने शिष्यों से ये कहा कि इन गायों को अपने आश्रम की ओर ले चलो। जैसे ही इस बात को ऋषियों ने सुना और उनसे शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, यज्ञ बालक ने भी यथाविधि उन सबको संतुष्ट किया। इतना सब हो जाने पर विदुषी गार्गी उठी और उन्होंने महर्षि यज्ञवल्क्य से पूछा कि क्या आप परम ज्ञानी हैं? उन्होंने कहा, नहीं, मुझे मोह हो गया है, जिस कारण से मैंने इन गायों को अपने आश्रम की ओर ले जाने का आदेश दिया। गार्गी ने कहा कि आपका गायों के प्रति मोह हो जाना ये योग्य कारण नहीं है गायों को यहाँ से ले जाने का। इसी भाव के साथ शास्त्रार्थ गार्गी और यज्ञवल्क्य के मध्य शुरू हुआ। गार्गी ने कहा कि जल के अंदर समस्त पदार्थ घुल जाते हैं, फिर ये जल कहाँ घुल करके जाता है? यज्ञवल्क्य ने कहा कि यह वायु में। फिर गार्गी ने पूछा, वायु कहाँ जाती है? उन्होंने कहा, अंतरिक्ष में। फिर इसी तरीके से पूछा कि अंतरिक्ष कहाँ? और इस प्रश्न की सुंदर सुव्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए देवलोक, ब्रह्मलोक, प्रजापति लोक आदि आदि लोकों तक बात पहुंचा दी। जब इतने प्रश्न महर्षि ने सुने तो अंत में बोल उठे कि ऐसे प्रश्न पूछती हो, तुम्हारा कहीं माथा ना फट जाए। विदुषी गार्गी उनकी स्थिति को समझ गई और कुछ पल शांत रही। शांत रहने के बाद पुनः पूछा कि स्वर्ग लोक के ऊपर और पृथ्वी के नीचे जो अब तक घटित हो चुका है, यह कहाँ घुल जाता है? महर्षि ने उत्तर दिया, यह सब अक्षर में विलीन हो जाता है और अक्षर कहीं विलीन नहीं होता, वह शाश्वत है। इस तरीके से बहुत शानदार शास्त्रार्थ हुआ और सभी लोग संतुष्ट हुए, आनंदित हुए। यज्ञवल्क्य महर्षि विजेता हुए और सब गायें उनको प्रदान की गई और इतने सुंदर वातावरण में उनका मोह नष्ट हुआ और उन्होंने कहा कि ये गाय भी ब्रह्म की हैं और ये गाय भी अब ब्रह्म सेवा के लिए ही हैं। तो मित्रों, इस प्रकार की सुंदर शास्त्रार्थ वाली व्यवस्था भारतीय चिंतन में सदा से रही है, भारतीय समाज को यह सुशोभित करती रही है। जब इस उदाहरण को हम लोग देखते हैं तो इससे पता चलता है कि हमारे समाज में लिंग भेद जैसी कोई धारणा नहीं थी और सब परस्पर प्रीतिपूर्वक रहते थे और अपने जीवन उद्देश्यों के चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ा करते थे। जब हम अपने अतीत के इस महान गौरव को भूले, तब हमारे मन में स्त्री पुरुष जैसे लिंग भेद की धारणाएं घर कर गईं और उन्हीं के परिणाम यह निकले कि आज अपराध की संख्या इस ही कारण से बढ़ती चली गई, क्योंकि हमारी मानसिकता में नकारात्मकता लिंग भेद आदि को लेकर के कर गई। और यह आज पूरी दुनिया में एक विभीषिका बनी हुई है। आशा करता हूँ इस प्रकार के जन जागरण के अभियान जब तेज़ गति से होंगे, जो सुसंस्कृत, सुसभ्य और शिक्षित लोग हैं, वे इस स्थिति को
सबके समक्ष रखेंगे ताकि यह अंधकार मिटे और उजाला हो और उस प्रकाश में हम सब शुभ को सत्य को देख सकें और अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सकें। तो इसी भाव के साथ मैं पुनः बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, साथ ही साथ सभी नागरिकों से यह अपील करता हूँ कि हम लोग सत्य विद्या को ही धारण करें, अपनी मानसिकता को निरंतर चेक करते रहें, जांचते रहें कि हम लोग सत्यार्थ भाव से जी रहे हैं या नकारात्मकता के परिक्षेत्र में हम सब पहुंच चुके हैं। जब ऐसा चिंतन हम प्रतिदिन करेंगे तो आशा करता हूं कि हम अपनी मंजिल पर शीघ्र पहुंचेंगे और इन समस्त नकारात्मकताओं को मिटाते हुए, लिंग भेद आदि जैसी भेद करने वाली इस बुद्धि को हटाते हुए, सब समूल परमात्मा का है और हम सब मिलजुल कर इस दुनिया को सुंदर और सुरभित बनाएंगे, ऐसी भावना हम सब के भीतर पैदा हो। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।